नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल जिसका नाम है हेल्थ गुरुजी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्ज लेने से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्ज से छुटकारा पाने के उपाय कौन कौन से हैं। तो आप कर्ज से छुटकारा पाने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को वीडियो देखते टाइम हेल्थ गुरु जी के आइकन के ऊपर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और खाने पीने के चीज़ों के नुकसान और फ़ायदों के बारे में बिल्कुल फ्री में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कर्ज लेने वाले व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति से सही गलत मनमानी और शर्तों का भी मानना पड़ता है। आजकल तो हर बड़ा और छोटा आदमी अपने मकान के लिए, बिजनेस के लिए और बच्चों की स्टडी के लिए या बीमारी के लिए कर्ज ले ही लेता है। कई बार गलत समय पर कर्ज ले लेना या किसी भी अन्य कारण से व्यक्ति को कर्ज लौटाना मुश्किल हो जाता है। वह लाख चाह कर भी समय पर कर्ज लौटा नहीं पाता, पर कर्ज लगातार बहुत अधिक बढ़ता रहता है और उसकी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते निकल जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शास्त्रों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कर्ज लेना व देना के कुछ आसान से उपाय। इन पर अमल करने पर आपको कर्ज समय से पहले ही निश्चित रूप से उतर जाएगा। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। यदि आपको कर्ज देना है तो पूर्णिमा और मंगलवार का दिन सही माना जाता है ये दो, और अगर आपको कर्ज देना है तो बुधवार को ही कर्ज देना चाहिए। कभी भी भूल कर भी मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, और अगर लिए हुए कर्ज की पहली किश्त देनी है तो मंगलवार से शुरू करनी चाहिए, इससे बहुत ही जल्दी आपका कर्ज उतर जाएगा। दोस्तों, ओम मंगल मूर्ताय नमः का मंत्र, इसका जाप कम से कम एक माला का जरूर करना चाहिए, इससे आपका कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मसूर की दाल दान करनी चाहिए और अपने घर की उत्तर व पूर्व दिशा के बीच के स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, बुधवार को सवा पाव मूंग की दाल उबालकर उसमें घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए, जिससे जल्दी ही आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही साथ ग्रहों का कुप्रभाव भी खत्म हो जाएगा, जिससे जीवन में समृद्धि आती है। एक सरसों का तेल एक छोटे मिट्टी के बर्तन में डालकर ऊपर से किसी मिट्टी के ढक्कन से उसको ढककर शनिवार के दिन किसी नदी या तालाब के किनारे पर सूर्य ढलते टाइम मिट्टी में गाड़ देने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा यदि अपने घर के मंदिर में महालक्ष्मी की पूजा के साथ 21 छोटे पत्थरों की पूजा करके उसे घर के नीचे मिट्टी में गाड़ देंगे तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप प्रार्थना करेंगे माँ से तो शनिवार के दिन अपने लंबाई के बराबर काला धागा लेकर उसको नारियल के ऊपर लपेटकर उसकी नियमित रूप से पूजा करने पर, ईश्वर से प्रार्थना करने पर आपका कर्ज बहुत ही जल्दी उतर जाएगा। दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए आदमी को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए या फिर
लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए दोस्तों, और अपने भोजन के साथ गुड़ खाना चाहिए, इससे आपको कर से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों हमारे इन बताए हुए उपायों को करके आप जल्दी से जल्दी अपनी कर से मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी और का भला हो जाए, अपने आपके भाई अपने रिश्तेदारों का आपका भला हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।